कि कैसे क्या हुआ किसी को कहा तो मैं आपसे कहा कि किसी माध्यम से उसको किया है कोई जवाब नहीं, नहीं, नहीं मुझको तो जब जानकारी तभी हुई तभी मैंने कहा दिया चलो बेटा आपसे कहा गए काम आप दबाव से बजाओ नहीं फंसाने वाले मूल व्यक्ति का पता नहीं है मूल व्यक्ति प्रशासन है और कौन मूल व्यक्ति जो है प्रशासन है और दूसरा कौन देखिए ये बता रहे हैं देखिए भाई साहब ये एसओ साहब को बता रहे हैं कैसे एसओ साहब फंसा रहे बहुत खूब सर बहुत खूब बहुत ये कौन फंसाया मेरे पिताजी को देखिए ये बता रहे सर कि एसओ साहब फंसाए हुए हैं बताइए आप बताइए कौन फंसाया थाने वाले फंसाए हैं ये देखिए सर बता रहे हैं ये सर बता रहे थाने वाले फंसाए हैं मेरे भाई को फर्जी मुकदमे में गौ हत्या के कांड में गाड़ी और मेरे भाई को फंसाया गया है और मैं एसपी साहब के यहाँ आया था उनको मेमोरेंडम दिया हूँ और 100 नंबर के खिलाफ मैंने ये भी कहा है कि रात में आके हम लोग को परेशान कर रही है उठा के जगा के परेशान कर रही है बता दूँ कि यह मैं पुलिस के लिहाज से मानता हूँ कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है ये वास्तव पूरा घटनाक्रम ये है कि एक व्यक्ति है जो जिसकी टेंट हाउस की दुकान थी और वो एक दिन शाम को रंगे हाथ एक गोवंशीय पशु को अपने पिकअप में लाते हुए पकड़ा गया था थाने पर उसको लाया गया उस व्यक्ति ने बताया कि साहब मुझे यूपी 100 के जो पीआरबी कमांडर उन्होंने कहा था कि इसको लेके जाइए आप और एक दुबे जी का गौशाला बगल में है उसको छोड़ाइए क्योंकि यह सांड लंगड़ा था उसकी इलाज हो रहा था तो मैं इसको लाद के वहाँ छोड़ने जा रहा था मैं इसमें कोई दोष नहीं है इस बिना पे उसको छोड़ दिया गया था गाड़ी थाने में थी कि तो उसी समय जो बाजार के लोग थे जिन लोगों ने फ़ोन करके एसओ को बताया था कि यह गोवंश पशुओं का तस्करी करता है उन लोगों ने मरमरिंग शुरू कर दी कि थाने पर कुछ गलत हुआ है और इसको छोड़ा गया है तो एसओ लाके उसको उसी जो सांड था उसकी रिकवरी करते उसको लाके बंद कर दिए थे इस बिना पे वहाँ के लोगों ने आके हमारे यहाँ एसपी महोदय के एप्लीकेशन दिए थे कि साहब ये जो गलत हो गया है इसके साथ और इसकी जाँच कराई जाए तो एसपी महोदय ने हमसे कहा कि आप स्वयं जाके इसकी जाँच कर लीजिए मैं मौके पर गया तो पूरा तथ्य उसके बिल्कुल प्रतिकूल निकला उसमें यह बात समझ में आई जांच में बात निकल के आई कि एक सुशील दुबे जी है जिनका करीब एक 32-35 गायों का एक गौशाला है वहीं कस्बे के बगल में और थाने के आसपास कुछ सांड घूम रहे थे गोवंशीय पशु थे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो दुबे जी ने उसका इलाज करना शुरू किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था तो उन्होंने हमारे पीआरबी से कहा कि इसको अगर आप मेरे यहाँ भिजवा देते किसी तरह से तो मैं इसको इलाज करा के ठीक कर देता इसको इस बिना पे पीआरबी ने बिना थाने के कंसर्न के बिना थाने से बातचीत किए हुए जो मकसूद नाम का व्यक्ति था उससे कहा उसके पास चूंकि गाड़ी थी और उस स्वयं जाकर उसको लाद के वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास किया था इसी बीच में चूंकि गिरफ्तार हो गया वहाँ पे वो और जो स्थानीय लोग थे उनके दबाव पे कि नहीं है गोवंश का तस्कर है जेल चला गया था तो पूरी पूरी घटना गलतफहमी के जरिए हुई है ये हमने उसी समय दुबे जी को पीआरबी कमांडर को और जो अभियुक्त सो कार्ड थे उनके परिजन को एसओ को बुला के मैंने बातचीत की जांच किया मैंने तो उसमें निर्दोष सिद्ध हुए वो और मैंने एसओ को आदेश किया कि इसमें 173 के तहत रिपोर्ट देकर उनको जेल से बाहर किया जाए और जैसा आप सबको मालूम है कि 173 में हमने रिपोर्ट न्यायालय भिजवा दिया है संभवतः कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे जहाँ तक रही किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की तो आप जो हमने घटनाक्रम बताया उससे आपको पूरा पूरा मालूम हो गया होगा ये घटनाक्रम केवल गलतफहमी आधारित है ये इसमें किसी कोई दोष प्रदर्शित नहीं होता है इसमें अगर किसी का दोष है तो माननीय दुबे जी का है जिनका गौशाला है जिन्होंने बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए हुए या थाने को बताए हुए ऐसा काम पीआरबी के जरिए करवा रहे थे और पीआरबी के कांस्टेबल या जो पीआरबी कमांडर उन्होंने थाने को नहीं बताया था कि मैं ऐसा काम करवा रहा हूं तो सब मिला के इसमें बहुत किसी का दोष प्रदर्शित नहीं होता है बल्कि बस एक केवल छोटी सी लापरवाही हल्की सी इसमें हुई कि थाना प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया था इसमें लेकिन चूँकि न्याय का तकाजा था और हम लोग के आदेश पे वो समझौता कल जेल से बाहर आ जाएंगे।